ये मुरली जब श्याम सुंदर के अधरों से लगती है और अधरामृत का पान करती हुई जब अलौकिक ध्वनि निसरित होती है तो वो क्या क्या कमाल करती है। ब्रह्म संगीता में इस मुरली के विषय में बताया गया है, अथ वेणु निनादस्य त्रयीमूर्ति मतिगता। अथ वेणु निनादस्य त्रयीमूर्ति मतिगता। आदि पुरुष आदि सृष्टिकर्ता श्री कृष्ण, जब श्री कृष्ण जी ने वेणु निनाद किया तो उनके वेणु निनाद से वेदत्रयी प्रकट हुए। वेदत्रयी क्या है? तीन वेद, ऋग, साम और यजुर, इनको वेदत्रयी कहा जाता है और इसी को गायत्री भी कहा जाता है। तो माता गायत्री जो भगवान की वंशी ध्वनि से प्रकट हुई और ब्रह्मा जी के मुख में प्रविष्ट हो गई, इसलिए शब्द ब्रह्ममय ज्ञान ये वेद इनकी जननी है वंशी ध्वनि, जो हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण के वेणु निनाद से प्रकट हुई। जीव गोस्वामी जी भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि गायत्री की जननी है श्री कृष्ण का वेणु निनाद। और ये वेदत्रयी सृष्टि के पूर्व, जब सृष्टि हुई नहीं थी उसके पूर्व ही इसका दान श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को दिया था। अब आइए भागवत में। भागवत में तो दशम स्कंद में बकायदा वेणु गीत है, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंती चमान रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वेणु गीत, वो नटवर वृंदावन बिहारी अपने सखाओं के यूथ संग वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं और मुद्रा क्या है? नटवर अपने अधरों से वेणु निनाद कर रहे हैं। इस वेणु से जो स्वर निकलते हैं, इस मुरली से जो ध्वनि की लहरी निकलती है, देखिए वो लहरी ऊपर से नीचे की ओर आती है। ध्वनि की जो लहर है वो ऊपर से नीचे की ओर आती है, परंतु उस लहर के मध्य में जितनी वस्तु आती हैं, वो लहर उस वस्तु को उस ध्वनि के उद्गम तक पहुंचा देती है, यानी नीचे से ऊपर ले जाती है। उद्गम क्या है?
स्वयं श्री कृष्ण। मूल वेद से कहा जाता है श्री कृष्ण जी को, मूल वेद से अर्थात जो ध्वनि बंशी ध्वनि के फूकने वाले जो मूल स्रोत हैं, तो ये लहर के मध्य में जो आएगा उसको ये लहर नीचे से ऊपर की ओर उद्गम पर पहुंचा देगी। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरं, सर्वभूत मनोहरं। सर्वभूत माने सर्वव्यापक, जड़ हो चेतन हो सबके मन का हरण करने वाली है ये मुरली ध्वनि या वेणु निनाद जो कहनी थी। इस मुरली के तीन गुण हैं। पहला गुण कंदर्प दलनत्व, दूसरा गुण सूक्ष्मत्व और तीसरा गुण ताप हरणत्व। कंदर्प दलनत्व का अर्थ होता है, कंदर्प का मतलब होता है काम वासना, काम उसको कंदर्प कहते हैं। तो जब ये मुरली बजती है तो संसारी काम वासनाएं ये नष्ट होती हैं, उसका दमन होता है। कंदर्प दलनत्व ये संसारी काम वासनाओं को नष्ट करती है, और सूक्ष्मत्व ये इतनी सूक्ष्म है कि अप्राकृत कंदर्प का दान करती है। अप्राकृत कंदर्प क्या है? श्री कृष्ण प्रेम वर्धन करवाती है, यानी हमारे भीतर से संसारी कामनाओं को नष्ट करके श्री कृष्ण संबंधित कामनाएं भर देती हैं, श्री कृष्ण प्रेम वर्धन करवाती है। ये सूक्ष्म चीज है इस मुरली की। तो कंदर्प दलनत्व यानी प्राकृत काम को छुड़ाना और अप्राकृत अलौकिक प्रेम को भरना, और तीसरा जो ताप है तापनत्व। प्रत्येक जीवात्मा तीन प्रकार के तापों में जल रहा है, ये त्रिताप कहलाते हैं। तो ये मुरली ध्वनि त्रिताप हारी है, ये तीन तापों का हरण करती है, ये महिमा है मुरली की। ये मुख्य गुण है मुरली के।